सऊदी अरब ने घोषणा की है कि कोविड-19 महामारी के जोखिम के बीच रेड लिस्ट देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों को 3 साल के अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रतिबंध के लिए तैयार रहना होगा। किंगडम के आंतरिक मंत्रालय के एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि चल रही महामारी के कारण कोई भी नागरिक जो अपनी रेड सूची में देशों की यात्रा करता है वो कानून का स्पष्ट उल्लंघन करता माना जाएगा। सूत्र ने बताया कि मंत्रालय को अधिकारियों द्वारा पहले से ही लगाए गए एहतियाती उपायों के स्पष्ट उल्लंघन में प्रतिबंधित देशों की यात्रा करने वाले नागरिकों के बारे में जानकारी मिली थी। उल्लंघन करने वालों को कानूनी रूप से जवाबदेह ठहराया जाएगा और उनकी वापसी पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। अधिकारी ने कहा कि अपराधियों को 3 साल की अवधि के लिए सऊदी के बाहर यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आंतरिक मंत्रालय ने अपने नागरिकों को दोहराया कि रेड लिस्ट में शामिल देशों में यात्रा प्रतिबंध लागू होता है, भले ही मार्ग प्रत्यक्ष हो या किसी अन्य देश के माध्यम से किया गया हो। यहां आपको बता दें कि भारत, पाकिस्तान समेत कई महत्वपूर्ण देश सऊदी के रेड लिस्ट में शामिल हैं। ईटा ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत सरकार अब अपनी शेड्यूल इंटरनेशनल फ्लाइट को शुरू कर सकती है। आपको बता दें कि भारत में अभी जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट हो रही हैं वो कुछ स्पेशल फ्लाइट हैं जो किसी विशेष एग्रीमेंट या विशेष अप्रूवल के तहत चलाई जा रही हैं। भारत में अभी भी रेगुलर या शेड्यूल फ्लाइट ऑपरेट नहीं की जा रही। प्रवासियों को एक सुखद खबर देते हुए फ्रांस की गवर्नमेंट ने मंगलवार को भारतीयों के लिए वीज़ा फैसिलिटी शुरू करने का ऐलान किया है। यानी कि अब आप यदि फ्रांस जाना चाहते हैं और वीज़ा का इंतज़ार कर रहे थे तो आप VFS ग्लोबल के जरिए वीज़ा के लिए अप्लाई करके यात्रा कर सकते हैं। ये जानकारी खुद VFS ग्लोबल ने दी है। यदि आप इस बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो VFS ग्लोबल की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। भारत में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक और ऑप्शन मिलने वाला है। जी हाँ, यहाँ मैं बात कर रही हूँ एक और नई एयरलाइन की। बहुत जल्द ही इंडियन एविएशन में एक और नाम जुड़ने वाला है और वो नाम है आकाश एयरलाइन का। आकाश एयरलाइन के नाम से एक और बड़ी एयरलाइन कंपनी भारत में अपनी सेवाएं शुरू करने वाली है। जेट एयरवेज के पुराने CEO विनय दुबे इस नई एयरलाइन कंपनी की शुरुआत कर रहे हैं। इस एयरलाइन में जाने माने इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला का बड़ा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। ये एयरलाइन साल 2022 के आखिरी तक अपनी सेवाओं को शुरू कर देगी। कोरोना वायरस के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हैं, जिसके कारण सभी देशों की एयरलाइन कंपनियों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूनाइटेड किंगडम के हीथ्रो एयरपोर्ट ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द इंटरनेशनल फ्लाइट को शुरू करने की इजाजत दी जाए, जिससे नुकसान की भरपाई हो सके। हीथ्रो एयरपोर्ट ने सरकार को जानकारी दी कि जब से कोरोना वायरस फैला है तब से हीथ्रो एयरपोर्ट को कुल मिलाकर $4 बिलियन का नुकसान हो चुका है। आपको बता दें कि इससे पहले भी बहुत सारी एयरलाइंस कंपनियों और ट्रेवल एजेंसी UK गवर्नमेंट से फ्लाइट को शुरू करने की मांग कर चुकी हैं। लेकिन यूनाइटेड किंगडम ने भारत के साथ साथ दुनिया के कई अन्य देशों के साथ भी इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन को अभी तक मंजूरी नहीं दी है। इंडिगो एयरलाइंस ने मंगलवार को अपने Q1 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि इंडिगो एयरलाइंस अपने Q1 में 3,174 करोड़ के लॉस से चल रही है। आपको बता दें कि इंडिगो एयरलाइन भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है, जिसके पास 50% से भी अधिक का मार्केट शेयर है। यदि इतनी बड़ी कंपनी इतना बड़ा लॉस डिक्लेयर कर रही है तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कोरोना काल में भारत की और दूसरी एयरलाइन कंपनियों का क्या हाल हो रहा है।